नमस्कार, मैं गौतम महर्षि आप सभी का फॉर्च्यून मम्मी का खाना में स्वागत करता हूं। भाई, हर मम्मी अपने किचन और घर में तो बॉस होती है, साथ साथ अगर वो प्रोफेशनल हो और अपने प्रोफेशन में भी बॉस हो तो क्या बात है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो अपने घर में तो बॉस हैं ही, साथ साथ जिस प्रोफेशन जिस डिविजन में वो काम करती है वहाँ भी वो बॉस हैं। उनका नाम है ज्योति राय जी। आइए उनको बुलाते हैं, स्वागत करते हैं उनका और पूछते हैं कि ये बॉस होने का जो बैलेंस है वो किस तरह से मेंटेन करती हैं। आइए बुलाया जाए श्रीमती ज्योति राय जी को। आइए ज्योति जी, वेलकम टू आवर किचन। थैंक यू। आइए, कैसे हैं आप? वेरी वेल। तो क्या करती हैं आप, ये बताइए। मैं एक कंपनी के लिए मार्केटिंग हेड करती हूँ। तो अपने बेटे के लिए आप कुकिंग करती हैं ऐसा मैंने सुना है। ऑफ कोर्स। क्या नाम है उसका? आर्यन। चलिए, तो आर्यन के लिए कौन सी रेसिपी आप लेके आई हैं? ये कोस्टल चिकन डिश है जिसमें पंजाबी तड़का है। पंज कोस्टल चिकन इसका नाम रख देते हैं हम। चलिए ठीक है, पंज कोस्टल चिकन। सामग्री क्या क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। चिकन डिश है, हमने चिकन के क्यूब्स, टेंडर चिकन के क्यूब्स लिए हैं। बोनलेस चिकन जी। कोकोनट लिया है हाफ कप। फाइनली चॉप्ड प्याज रखे हैं हमने यहाँ पे। सॉल्ट टू टेस्ट। फ्रेश धनिया, हरा धनिया। रेड चिली बहुत ही कम मात्रा में फॉर फ्लेवर के लिए। हल्दी, टमाटो, दो टमाटो उसको काट के हमने कटा हुआ टमाटर। उसके बाद यहाँ कुछ पेस्ट मेरे को नजर आ रहा है, ये क्या है? हाँ जी, ये पेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन पेस्ट है। हाफ कप अपना कोकोनट डाला है, एक पूरा टमाटर डाला है, एक ग्रीन चिली और 5-6 लहसुन के हमने क्लोव्स डाले हैं, कलियां डाली हैं। तो कोकोनट हुआ, ग्रीन चिली हुई, साथ में टमाटर हुआ और साथ में लहसुन हुआ। यस ठीक है, वाह। और हमने ग्रीन चिलीज ली हैं, हरी मिर्च, हाँ जी, और इमली की जगह हमने कोकम का यूज किया है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने कहा था इसमें पंजाबी तड़का है, तो हमने घर का बना हुआ गरम मसाला यूज किया है। ये डिश हम राइस के साथ खाते हैं और उसको हम एरोमा राइस मैं बनाती हूँ जिसमें हम इलायची का एरोमा डालती हूँ। सो वो यूज होगी। लहसुन जो डिश में कलियां, जीरा जी, कड़ी पत्ता जी और लौंग। लौंग। चलिए अब शुरुआत की जाए। यप। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप हमारा एप्रन पहने। ओके। फॉर्च्यून का बहुत अच्छा सा एप्रन है, आप इसे धारण करें। तो एक पैन ले लेते हैं, इसी में आप कुकिंग करेंगे? हाँ जी। ठीक है, चलिए पैन को गर्म कर लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। ओके, और इसमें हम क्या डालेंगे आप सबसे पहले? फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल। चलिए, ये क्या इसके अंदर फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल, ये कितना आपने डाला है इसमें? करीबन 4-5 चम्मच। 4-5 छोटे चम्मच आपने डाला है इसमें फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल। अब ये गर्म हो जाएगा, जैसे ही गर्म होगा इसमें क्या डालेंगे आप? तो एक चम्मच आपने इसमें जीरा डाला, 4 लौंग, 3-4 या 4-5 लौंग की कलियां, कड़ी पत्ता, प्याज डाल के भूनेंगे। हाँ जी, ये गया बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज कितना भूनना होगा, कहाँ तक भूनना होगा? लाइट पिंक होते वक्त हम तब तक इसको भूनेंगे, करीबन 5 मिनट। अब इसमें क्या डाला जाएगा? अभी हम अपना हल्का गरम मसाला डालेंगे जी। ओके, अभी हम रेड चिली पाउडर थोड़ा डालेंगे। ठीक है, करीब आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। ओके, इसके बाद हम नमक डालेंगे। ये गैस के अंदर सॉल्ट स्वाद के अनुसार जी हाँ, करीबन अपना 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। हमने जो एक कोकोनट का पेस्ट बनाया था जी हाँ। चलिए पहले मैं इसको मिला देता हूँ अच्छे से। हमें इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा ताकि इसकी... जी बिल्कुल, मैं पानी डाल देता हूँ इसमें, बस करीबन आधा कप। इस पेस्ट को कितना और कहां तक पकाना होगा? ये अपना एक नेचुरल ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देगा जी। अभी हम इसमें कोकम का पानी डालेंगे। तो सिर्फ आप कोकम का इसमें पानी डालेंगे? डाल दीजिए 2-3 टुकड़े कोकम के। तो थोड़ा सा इसमें मैं देख रहा हूँ उबाल आ रहा है, क्या इसको इस समय ढक के पकाना होगा? बिल्कुल। तो चलिए ढक दीजिए, इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी भी इसकी कुकिंग हो जाएगी जी। इसे करीब 3-4 मिनट पकाना होगा। हाँ जी। खैर, देखते हैं हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुंची। बिल्कुल। अब आप बताइए इसमें क्या डालना होगा? हमने जो चिकन जी काटा था जी टेंडर चिकन, मेन इंग्रेडिएंट जो इस पीक है, बिल्कुल जी हम अब इसमें ऐड करेंगे। चलिए ऐड कीजिए। और एक बार वो जब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स्ड हो जाएगा जी, हम इसको हल्का सा थोड़ा पानी डाल के इसको वापस कवर करेंगे लिड से, सिम करके पकाएं। बिल्कुल। तो बस फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल स्टेप, पानी डाला गया है इसमें, अब इसे थोड़ा सा स्टीम देके पकाना होगा। ये जो महक आई है ये बता रही है कि ये करीब करीब तैयार है, और आप देख रहे हैं इसके ऊपर ऑयल की एक लेयर भी आ चुकी है जी। गैस को बंद कर दूं हमने? हाँ जी। चलिए अब आप प्रेजेंटेशन की तैयारी करें।
सबसे पहले क्या आप ये चिकन पोर करना चाहेंगे या इन चीजों को लगाना चाहेंगे? पहले चिकन पोर करना चाहेंगे। चिकन पोर करना चाहेंगे। ये लीजिए। चलिए एक अच्छे से प्लेटर में चिकन थोड़ी सी ग्रेवी के साथ इन्होंने अच्छे से लगाना चालू कर दिया। थोड़ा सा नारियल मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देता हूँ। थोड़ा सा टमाटर आप चाहें तो चावल के ऊपर छिड़क दें। बिल्कुल, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी। हाँ जी। राइस के ऊपर। वाह, एक्सेलेंट। और आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये गार्निशेस। यस। मतलब कोस्टल पंजाबी और थोड़ा ओरिएंटल चाइनीज टाइप इन्होंने डेकोरेशन की है। वाह, लुक्स रियली नाइस। इसको टेस्ट करके देखा जाए। हाँ जी। करेक्ट। चलिए। ओके। वाह, सुपर एक्सीलेंट। थैंक यू। हमारे जो दर्शक हैं इंतजार कर रहे होंगे कि सामग्री और विधि क्या थी, एक बार उनको दोबारा से बता दिया जाए। देखिए इसका एक रीकैप। पंजाबी कोस्टल मुर्ग बनाने के लिए आपको चाहिए बोनलेस चिकन आधा केजी, बारीक कटा हुआ नारियल आधा कप, बारीक कटा हुआ प्याज आधा कप, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप, लाल मिर्च पाउडर 50 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम, बारीक कटा हुआ टमाटर 1, कोकम 50 ग्राम, फॉर्चून कुकिंग ऑयल 100 मिलीलीटर, नारियल पेस्ट बनाने के लिए नारियल आधा कप, टमाटर 1, हरी मिर्च 1। बनाने की विधि, एक पैन में 5 टीस्पून फॉर्चून कुकिंग ऑयल डालें, उसमें 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंग की कलियां, करी पत्ता और आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज डालें और 5 मिनट के लिए पकाएं और प्याज को हल्का गुलाबी होने दें। अब उसमें 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 हल्दी पाउडर और 1 कप नारियल का पेस्ट डालकर उसमें आधा कप पानी डालकर 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब इसमें कोकम डालें और पैन को ढक के 4 से 5 मिनट तक उबालें। अब इसमें बोनलेस चिकन और आधा कप पानी डालें और 5 से 7 मिनट तक पकाएं। आपका पंजाबी कोस्टल चिकन तैयार है। ज्योति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आकर इतनी प्यारी रेसिपी और साथ साथ उसके इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाए, प्यारी प्यारी बातें भी उसमें शामिल थी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। माय प्लेजर। इसी तरह की बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज और बातें फॉर्च्यून मम्मी का खाना द्वारा आप तक पहुंचती रहेंगी। फॉर नाउ दिस इज मी शेफ गौतम मेहरिषी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।